हेलो पीपल, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज 14 सितंबर है। स्टार्ट करते हैं प्रीमिक्स, जिसमें हम प्रीलिम रिलेटेड पांच क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सो आज के हमारे टॉपिक्स होंगे इंटरनेशनल रिलेशन एंड साइंस एंड टेक से कम्बाइंड। ठीक है जी। सो पहला क्वेश्चन है आपके लिए, रिसेंटली अ मोबाइल एप्लीकेशन मेघदूत वॉज लॉन्च्ड बाय डैश टू प्रोवाइड लोकेशन एंड क्रॉप एंड लाइव स्टॉक स्पेसिफिक वेदर बेस्ड एग्रो एडवाइजरीज टू फार्मर्स इन लोकल लैंग्वेजेस। तो आपको बताना है कि मेघदूत ऐप जो इतना जो नंबर ऑफ फंक्शंस है उनको कर रही है, कौन सी मिनिस्ट्रीज ने लॉन्च की है। पहली स्टेटमेंट है या पहला ऑप्शन है आपका मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फिर है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, या डी बोथ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस एंड एग्रीकल्चर का ये जॉइंट प्रोजेक्ट है। सो द करेक्ट आंसर इज बोथ बी एंड सी। तो दोनों मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने मिलकर एक ऐप निकाली है जो कि फार्मर्स को प्लेथोरा ऑफ इन्फॉर्मेशन देगी। तो कन्फ्यूज़ मत कीजिएगा, जो लॉन्च के टाइम पर मिनिस्टर जो हमारे मिनिस्टर हैं ऑफ अर्थ साइंसेज एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर हर्षवर्धन, उन वो प्रेजेंट थे, लेकिन जो जो ये ऐप है ये जॉइंट प्रोजेक्ट है ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड अर्थ साइंसेज। सो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। मिनिस्ट्रीज ऑफ अर्थ साइंसेज एंड एग्रीकल्चर ने मिलकर ये एक ऐप लॉन्च की है, मोबाइल एप्लीकेशन, जो कि लोकेशन, क्रॉप एंड लाइव स्टॉक स्पेसिफिक वेदर बेस्ड एग्रो एडवाइजरीज इशू करेगी फार्मर्स को लोकल लैंग्वेजेस में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेस देने वाली बात है। जो इंस्टीट्यूशंस जो इंस्ट्रूमेंटल थे इसको बनाने के पीछे, वो है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंडियन सॉरी शुड बी इंडियन ओके एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी एंड इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। एंड अगर आप बात करें कि क्या क्या चीज़ें बताएगी, क्या फोकास्ट करेगी, तो इट विल प्रोवाइड फोकास्ट रिलेटिंग टू टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, डायरेक्शन, विच प्लेज क्रिटिकल रोल्स इन एग्रीकल्चर ऑपरेशंस। एंड मोर ओवर फार्मर्स को एडवाइजरीज भी इशू करेगी कि कैसे अपने क्रॉप्स का, लाइव स्टॉक का वो केयर करें। इसके बाद जो इन्फॉर्मेशन होगी वो ट्वाइस अ वीक पब्लिश की जाएगी ऑन ट्यूसडेज एंड फ्राइडेज। एंड जो ऐप है इट विल प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस, मैप्स एंड पिक्चर्स, ताकि जो फार्मर्स, अगर आपको थोड़ा अंदाज़ा हो कि इलिटरेसी काफ़ी ज़्यादा प्रेविलेंट है फार्मर्स में, तो इसीलिए ऐसे पिक्टोग्राफिक तरीके से समझाना वुड बी वेरी ईजी फॉर देम टू रिसीव द डेटा, सो टू हेल्प द फार्मर हैव अ क्लियर पिक्चर ऑफ वट इज़ इन द स्टोर। एंड जो ये ऐप है इसको WhatsApp एंड Facebook के साथ भी इंटीग्रेट कर दिया गया है, ताकि जो इन्फॉर्मेशन है वो रेडिली स्प्रेड भी की जा सके आगे। ओके जी, मूविंग फॉरवर्ड वी हैव अ सेकंड क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेपाल। तो पहली स्टेटमेंट है, नेपाल शेयर्स इट्स लार्जेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विद चाइना यानी तिब्बत। एंड दूसरी स्टेटमेंट है, देर आर नो हरप्पन साइट्स इन नेपाल। तो यू कैन पॉज, यू कैन थिंक कि क्या हरप्पन साइट्स का जो जो स्प्रेड था क्या वो नेपाल तक जा रहा था। एंड दूसरी चीज़ की अगर आप थोड़ा नेपाल का एंड इंडिया का मैप इमेजिन करेंगे तो पहली स्टेटमेंट तो वहीं से ब्रेक हो जाएगी। ठीक है जी। सो द करेक्ट आंसर इज बी, सो देर आर नो हरप्पन साइट्स इन नेपाल। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, पहली स्टेटमेंट गलत है, इट इज़ विद इंडिया। तो मैप से आपको थोड़ी क्लियरर पिक्चर मिल जाएगी। जैसे जो नेपाल एंड इंडिया का मैप है यहाँ पर अगर आपको दिखाऊं, सो इट इज़ समवॉट लाइक दिस, एंड ऊपर कहीं यहाँ से है जो तिब्बत की बाउंड्री है, तो क्लियरली दिख रहा है कि बाउंड्री किसकी ज़्यादा है। एंड अगर हम ऐसे टर्म्स में, न्यूमेरिक टर्म्स में बात करें, तो इट इज़ 1751 किलोमीटर्स अप्रॉक्सीमेटली विद इंडिया एंड 1414 किलोमीटर्स विद चाइना। तो क्लियरली जो हमारी बाउंड्री है इंडिया के साथ, नेपाल की बाउंड्री ज़्यादा बड़ी है। एंड दूसरी चीज़ क्या है कि हड़प्पन साइट्स का स्प्रेड, सो एज यू कैन सी जो हरप्पन साइट्स की कंसंट्रेशन है वो कुछ इस एरिया में रुकी हुई थी। अदरवाइज देर आर अ फ्यू साइट्स, स्पोरेडिक साइट्स जो कि यूपी तक जाती हैं, लेकिन नेपाल में कोई हमें ऐसी कोई साइट मिली नहीं हरप्पन साइट। दैट इज़ वाई द सेकेंड स्टेटमेंट वॉज ट्रू कि नेपाल में कोई हरप्पन साइट नहीं है। ठीक है जी। एंड अगर आपको मालूम हो कि नेपाल के ऊपर हम इतना फोकस क्यों कर रहे हैं, रिसेंटली ही इंडिया ने एक जो ऑयल पाइपलाइन इनॉग्रेट की है विद नेपाल, एंड आई होप आपने जो कल का प्रीमिक्स है उसके बारे में बताया हुआ है, तो उसको भी देखा होगा। सो इफ़ यू हैवन प्लीज़ गो एंड वॉच इट। ओके जी, थर्ड क्वेश्चन, नेम द पासेस मार्क्ड 1 and 2 ऑन द मैप। तो सो एक पास यहाँ पर है नंबर 1 एंड दूसरा यहाँ पर है नंबर 2, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो नेम है वो करेक्ट है रिस्पेक्टिवली, कि नंबर 1 के नेम्स जो हैं वो यहाँ पर हैं, नंबर 2 के यहाँ पर हैं। तो यू हैव टू टेल द करेक्ट ऑप्शन। यू कैन
पॉज, यू कैन थिंक, कुछ ऐसे याद कीजिए अगर आपने एनसीईआरटी में कहीं देखा हो ऐसा कुछ तो. एंड द करेक्ट आंसर इज बी, लीपुलेक पास है नंबर वन एंड नाथुला पास है नंबर टू. सो अगर आप थोड़ा एनसीईआरटी को रिकॉल करेंगे तो जैसे दिस इज हाउ अवर कंट्री लुक्स लाइक जियोग्राफिकली विद नेपाल, तो जो मेन इम्पॉर्टेंट हमारे पासेज हैं वो कुछ ऐसे हैं कि सबसे ऊपर है यहाँ पर कहीं हिमाचल में, इफ़ यू कैन कंसिडर दिस एज हिमाचल, तो सबसे ऊपर है शिपकीला पास, कीला, ठीक है जी. एंड उसके बाद नीचे कहीं थोड़ा हिमाचल में ही आता है, या सॉरी उत्तराखंड में आता है नीति पास. एंड देन वी हैव बिल्कुल ऑन द एज यहाँ पर उत्तराखंड में ही लीपुलेक, ठीक है जी. एंड अगर हम यहाँ पर भूटान वाली साइड पर देखें तो वी हैव टू पासेस, बेसिकली देर आर टू पासेस. इसीलिए जो ऑप्शंस थे वो भी थोड़े कन्फ्यूजिंग ही थे कि जलपला एंड नाथुला दोनों एक दूसरे को ऑलमोस्ट ओवरलैप करते हैं. ऊपर की साइड हमारे पास नाथुला है एंड इसके नीचे ही वी हैव जलपला, तो दोनों ही सिक्किम को चाइना के साथ यानी तिब्बत के साथ जोड़ते हैं. तो यहाँ पर ईदर ऑफ द ऑप्शंस कुड हैव बीन करेक्ट. तो जो मेक और ब्रेक करने वाला पास कौन सा था, वो था पहला लीपुलेक पास, ठीक है जी. तो अगर आपको ऐसे रिकॉल करने में प्रॉब्लम आ रही है ऐसे पासेस को, तो प्लीज़ कॉन्स्टेंटली ही ज्योग्राफी की अपनी एनसीईआरटीज को चेक करते रहिएगा. वहाँ पर एक पूरा मैप बनाया हुआ है वेरियस जो पासेस हैं जो इंडिया को कनेक्ट करते हैं टू अदर कंट्रीज़, एज वेल एज जो पासेस हैं वो जम्मू एंड कश्मीर को कनेक्ट करते हैं फॉर एग्जाम्पल विद हिमाचल, या ऐसे इंट्रा स्टेट जो पासेस हैं. तो सबके बारे में यू हैव टू हैव द बेसिक नॉलेज, बिकॉज ये तो एनसीईआरटी बुक में अगर गिवन है तो इसको तो हम किसी भी कॉस्ट पर छोड़ नहीं सकते, ठीक है जी. सो ट्राई अरेंजिंग दैम नॉर्थ साउथ ईस्ट टू वेस्ट ऐसे, सो दैट यू मे रिमेंबर देम. नेक्स्ट क्वेश्चन, सो द फोर्थ क्वेश्चन इज सेल्मोनेला रिसेंटली फाउंड इन सम बैचेस ऑफ एमडीएच स्पाइस मिक्स इज अ डैश, तो क्या है ये, क्या एक वायरस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है या फंजाय है. तो आज ही के प्री क्योर में हमने इसके बारे में बात की है डिटेल में, तो आपको अगर आपने वो वीडियो देखा है तो ये क्वेश्चन तो पक्का ही पक्का आना चाहिए. अगर नहीं देखा तो प्लीज़ गो एंड रिविजिट दैट वीडियो, एंड अगर रिकॉल करने में प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ अगेन यू हैव टू वॉच इट मोर कीनली, ताकि ऐसे जो बेसिक चीज़ें हैं जो बिल्कुल एविडेंट हैं दे आर इन आवर फेस, तो इनको तो हम किसी हाल पर छोड़ नहीं सकते, ठीक है जी. सो यू कैन पॉज एंड द करेक्ट आंसर इज बी, बैक्टीरिया. तो साल्मोनेला इज़ अ बैक्टीरिया, साल्मोनेलोसिस नाम की एक इलनेस कॉज करता है, तो पूरा डिटेल में हमने वहाँ पर डिस्कस किया है, डू वॉच दैट वीडियो. एंड फाइनली वी हैव लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, बॉम्बे ब्लड ग्रुप. तो बॉम्बे ब्लड ग्रुप को भी काफ़ी डिटेल में हमने वहाँ पर डिस्कस किया है इन अ प्री क्योर वीडियो, तो अगर वो आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ देखिएगा, ऐसे वीडियो स्किप मत कीजिएगा क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री है कॉन्टेंट एंड आपकी एक तरीके से रिविजन भी होती रहती है, ठीक है जी. सो द ऑप्शन आर कि इसमें एच एंटीजन नहीं है, सॉरी है, या ए बी एंड ओ सभी हैं एक्सेप्ट फॉर एच, या ए बी ओ एंड एच है, एंड या डी कोई भी एंटीजन नहीं है. सो यू कैन पॉज एंड द करेक्ट आंसर इज डी, नन. सो अगर आपने वो वीडियो ध्यान से देखा है तो उसमें हमने काफ़ी डिटेल में ऐसे पूरा टेबल का चार्ट बना बना कर डिस्कस किया हुआ है. तो बॉम्बे ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन नहीं होता. तो यूजुअली हम जो जैसे 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ते हैं कि ओ ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन नहीं होता, लेकिन ओ ब्लड ग्रुप में एच एंटीजन होता है, लेकिन बॉम्बे ब्लड ग्रुप जो कि काफ़ी रेयर टाइप है ऑफ ब्लड ग्रुप्स, इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता, एंड दैट इज़ हाउ इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम द ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है जी. एंड उसी के साथ मैंने एक आपको काम भी बोला था कि गोल्डन ब्लड के बारे में आपको सर्च करना है, गोल्डन ब्लड ग्रुप के बारे में. तो उसके बारे में अगर आपने वहाँ पर नहीं सर्च किया तो प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट्स में ज़रूर उसके बारे में लिखिएगा, एंड try to spot the difference between Bombay blood group and golden blood group. So that is all. Thank you for watching. Bye-bye.